सिर्फ सीरियल में नजर आएगा बल्कि दर्शकों के दिल में अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगा कि उसे बड़ा करने में निर्माताओं को इतना लंबा वक्त लग जाएगा। सागर आर्ट्स के बैनर तले बनने वाले सीरियल साईं बाबा में रजत टोकस ने साईं बाबा के भाई का किरदार निभाया था और वहीं उनके अभिनय ने सीरियल के निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर शुरू हुई रजत टोकस की सफलता की कहानी। रजत टोकस के जानदार अभिनय ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को भी अपना प्रशंसक बना डाला और कुछ यही हाल सास बहू और साजिश को देखने और चाहने वाले दर्शकों का भी हुआ। पहले तो हम भी चौंके, लेकिन लगातार आने वाले खतों और ईमेल्स ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर क्या था, 14 नवंबर 2006 को बाल दिवस के दिन हम पहुंचे वडोदरा पृथ्वीराज चौहान के सेट्स पर रजत टोकस से मुलाकात करने और इस तरह रजत टोकस और सास बहू साजिश के खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हुई। फिर तो सिलसिला चल पड़ा, हम आपकी भेजी हुई चिट्ठियां, ईमेल और गिफ्ट्स लेकर फिर पहुंचे वडोदरा और इस बार हमने संयोगिता का किरदार निभाने वाली अदाकारा मुग्धा चाफेकर से भी मुलाकात की। अब बारी थी रजत के हमारी स्टूडियो आने की। रजत हमारे स्टूडियो आए और दर्शकों से रूबरू हुए। वैसे तो इस घटना को महीनों बीत गए, लेकिन आज भी रोजाना उनके लिए ढेरों फोन कॉल्स आते रहते हैं और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल रहता है, रजत का मोबाइल नंबर क्या है। और आलम ये है कि अब वो फोन हमारे किसी काम का नहीं, बस रजत का होकर रह गया है। हम न सिर्फ रजत और उनके प्रशंसकों के बीच सेतु का काम कर रहे थे, बल्कि रजत को उनके माता पिता के करीब लाने का काम भी कर रहे थे। तभी तो अपने जन्मदिन के दिन शूटिंग में व्यस्त रजत तक उनके माता पिता की शुभकामनाएं पहुंचाने से भी हम नहीं चुके। इस बार के वडोदरा ट्रिप में सास बहू और साजिश के दर्शकों को रजत को और भी करीब से जानने का मौका मिला। वैसे तो हमने रजत के बारे में हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुंचाई है, कुछ ऐसी और बातें हम आपको बताने वाले हैं। मसलन पर्दे पर पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी दिखाई जा रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी। रजत का पहला क्रश मोहिनी थी और ज्वाला और संयोगिता के साथ भी पर्दे के पीछे रजत की मस्ती भरी नोकझोंक होती रहती थी। सीरियल में रजत के दोस्त बने संजम, चंदेर और अर्जुन के साथ असल जिंदगी में भी रजत की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ऋतिक रोशन को रोल मॉडल मानने वाले रजत को एक्शन बेहद पसंद है, तभी तो 20 फुट की ऊंचाई से कूदना उन्हें रोमांचित करता है और हमारे दर्शकों को रोमांचित करते हैं रजत टोकस। जहां एक तरफ रजत के चाहने वालों की कमी नहीं, वहीं रजत को भाई मानने वालों की भी कमी नहीं। तभी तो राखी के मौके पर रजत के लिए ढेरों राखियां आई और उन सबको समेट कर एक बार फिर हम पहुँचे उनसे मिलने वडोदरा। और इस तरह एक के बाद एक रजत के साथ सास बहू साजिश की कई अनमोल यादें जुड़ती चली गयी। फिलहाल रजत ने पृथ्वीराज चौहान सीरियल को कह दिया है अलविदा और उनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर है, लेकिन अभिनय की पहली शानदार पारी खेलने के बाद रजत की योजना फिल्मों में और सीरियल्स में अपने अभिनय के जरिए दर्शकों को लुभाने की है। रजत की दिली तमन्ना है कि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें पृथ्वीराज के तौर पर इतना सराहा, उसी तरह उन्हें रजत के तौर पर वे उन्हें चाहें और सराहें। रजत, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आराधना झा, स्टार न्यूज, मुंबई। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे होगा और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए सास बहू और साजिश। मेरा नाम है रजत टोकस। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। हाय, मैं हूँ मुग्धा, आपकी संयोगिता। कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पहले भी आपको कई बार पृथ्वीराज और संयोगिता यानी कि रजत और मुग्धा से मिलवा चुके हैं और उनकी वो सारी छोटी छोटी बातें भी आपको बताई हैं जो आपको पहले पता नहीं थी। तो चलिए आपकी याददाश्त को एक बार फिर ताज़ा करते हैं और देखते हैं उनकी छोटी छोटी बातें। मेरा नाम है रजत टोकस। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। हाय, मैं हूँ मुग्धा, आपकी संयोगिता। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड माई डेट ऑफ बर्थ इज 19 जुलाई 1993। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 24th of March। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस दिल्ली में किया था, एक डीडी का सीरियल था, पर जो जिसमें मैं सब लोग जानते थे मुझे, मेरा फर्स्ट ऐसा सीरियल था साईं बाबा, जिसमें लोग मुझे साईं बाबा के भाई से भाई के नाम से जाते थे। पहली बार कैमरा फेस किया था जब मैं 5 साल की थी। मैंने सिंगिंग से अपना करियर शुरू किया और मैंने बहुत सारे पहले रीजनल सीरियल्स किए, मराठी सीरियल्स किए, बहुत सारे एड्स किए, हिंदी सीरियल्स किए और अब मैं पृथ्वीराज चौहान कर रही हूँ। अच्छी है। फिर तो खैर ये है कि
मैं किसी को बुरा नहीं, मतलब किसी को नाराज़ नहीं करता, सबको मैं मतलब मजाक मजाक में हंसाता रहता हूँ, और जो लोग कहते हैं वो कर लेता हूँ। और प्री हैबिट का है कि वो तो उसके सब जानते हैं, मेरे को नहीं पता मेरी क्या बुरी हैबिट है, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता हूँ तो वो कुछ नहीं कहते मेरे बारे में ऐसा कुछ बुरा। अच्छी आदत यह है कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, आई एम वेरी गुड स्टूडेंट। और बुरी आदत तो वैसे मुझ में कुछ है नहीं, ढूंढना पड़ेगा, मॉम डैड से मत पूछिए। अभी का जो मेरा एम्बिशन है, अभी एम्बिशन है कि बड़ों के या फिर मैं एक काफ़ी अच्छा एक्टर बन जाऊँ या फिर एक डायरेक्टर बन जाऊँ। लेकिन जैसे थोड़ा समय बीतता जाएगा, थोड़ा टाइम होता जाएगा, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आएगा, तब का अभी तो मेरा तो एम्बिशन है कि मैं डायरेक्टर बनूँ, आगे चल के पता चलेगा कि मैं ज़िंदगी में क्या सूट करता है मुझे। 10 साल बाद अब मैं कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ, आई होप अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहे और इंस्पायर आप मुझे ऐसे करते रहे तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी काम करने के लिए, ऐसे आगे बढ़ते जाऊँगी। आई जस्ट नीड ऑल योर सपोर्ट। इट्स अ गुड शो, उसमें जितने भी सीरियल्स हैं ऑल ओवर, मतलब जितने भी चैनल्स के सीरियल्स हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इट्स अ गुड शो, आज मैं देख रहा था तो सबके बारे में इंटरव्यू होता है, इसमें डिटेल्स पता चलता है, और इसमें जो लोगों की जिन्हें पसंद है, जो जिसके फैंस हैं लोग, जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उनसे मिलने का काफ़ी अच्छा मतलब इसमें एक मौका मिलता है। सास बहू और साजिश, इसके बारे में कहूँगी कि ये सब कुछ है, सब कुछ मतलब उसमें वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। सास बहू और साजिश नाम पे मत जाइए, उसमें सास है, बहू है, बेटा है, बेटी है, और बहुत कुछ है, और आपके सामने जो पेश करते हैं एक ही जरिया है दर्शकों तक पहुंचने का, इसीलिए आई थिंक कि टेलीविज़न का वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है।